ये बूढ़े माता पिता फूट फूट कर रो रहे हैं। पास ही सन्यासी बेटा बैठा, जिसका दिल इनके आंसुओं से भी नहीं पसीज रहा। जो बेटा बुढ़ापे का सहारा था, उसके सामने ही माता पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये माता पिता हर जतन करने को तैयार है, बस सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। लेकिन इन आंसुओं से भी बेटी की शक्ति की भक्ति नहीं पिघली। लोग माता पिता में भगवान ढूंढते हैं, लेकिन इंजीनियर से पुजारी बने दिशांत पटेल भगवान से मुलाकात में माता पिता को अर्चन मान बैठे हैं। लोग समझाते रहे कि माता पिता ही भगवान है, साक्षात भगवान, लेकिन सन्यासी बेटे के इरादे नहीं बदले। दिशांत पटेल ने भी ठान लिया है कि परिवार रूठे जग छूटे, लेकिन प्रभु के संग ना छूटे। 25 साल के दिशांत पटेल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अब सन्यासी बन चुके हैं। वो अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में 3 साल से सेवा कर रहे हैं। घर परिवार सब छोड़ चुके हैं, लेकिन बूढ़े माता पिता भी क्या करें। इकलौता बेटा है जिसे पालने में जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर दी, उसे आंखों से दूर कैसे जाने दें। बेटे की पढ़ाई, शादी, दादा दादी बनने के सपने सब आंखों के सामने टूट रहे हैं। एक परिवार की यह दर्द भरी दास्तां दहलीज लांघ कर थाने तक पहुंच गई है। अपने ही बेटे को पाने के लिए माता पिता को इस उम्र में थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। माता पिता ने भी सोचा कि मंदिर से दूर पुलिस और समाज के सामने बेटे को समझाएंगे तो वो मान जाएगा। दिशांत पटेल परिवार भी परिवार से मिले, पूरे परिवार ने समझाया, रिश्तों की दुहाई दी, प्यार से मनाया, आंखें भी दिखाई, लेकिन बात नहीं बनी। जैसे मैंने बोला कि मैं फुल टाइम हरे कृष्ण मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूंगा, सो बस मैं वो कंटिन्यू करना चाहूंगा और बस इतना ही ज्यादा अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा। प्रभु की भक्ति तो ठीक है, लेकिन दिशांत पटेल से जब पूछा गया कि माता पिता के प्रति जिम्मेदारी भी होती है तो वो बिना कुछ कहे ही चले गए। निराश माता पिता अब बेटे के घर लौटने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उसको पता चलेगा 2 साल के बाद कि मम्मा ऐसे ही मर गया, पापा ऐसे ही मर गया, तो शायद हो सकता है कि मेरे रिलेटिव सब आए। मेरे को वही डर है कि शायद उसको अगर ये हो गया तो डेड बॉडी भी टच करने का नहीं मिलेगा। दिशांत बालिक है, अपना अच्छा बुरा खुद तय कर सकते हैं। ऐसे में कानून भी माता पिता की कोई मदद नहीं कर सकता। साधु जी का इतना कहना है कि अभी उसने सन्यास मतलब साधु जीवन ग्रहण कर लिया है तो अभी घर नहीं जाना, वो अपनी मर्जी से 3 साल पहले सन्यास तो ये साधु जीवन सीखा रहा है, अभी साधु जीवन ही व्यतीत करना चाह रहे हैं। इस परिवार की कहानी अब दुनिया के सामने आ गई है। एक तरफ परिवार का प्यार है, जिम्मेदारी है, माता पिता अकेले हैं, उनकी हजारों ख्वाहिशें हैं जो दम तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ भगवान की भक्ति है, सन्यासी जीवन है जो कहता है कि प्रभु भी एकमात्र सत्य है। दिशांत ने तो अपना फैसला कर लिया है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि भगवान अपने तो परिवार पराया कैसे हो गया। ये तस्वीर कुछ साल पहले की है। अब सन्यासी बन चुके दिशांत तब माता पिता के साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये तस्वीर तब की है जब अहमदाबाद में रमेश भाई पटेल की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि उनका बेटा उनके पास था जो अब उनसे दूर हो गया है। एक तस्वीर में दिशांत पटेल माँ शर्मिला के साथ दिख रहे हैं, माँ बेटे को आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कभी माँ की मुस्कुराहट ही दिशांत के लिए सब कुछ थी, अब जिंदगी के मायने महत्व बदल गए हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि परिवार में कितना प्यार था, दिशांत माता पिता के कितने करीब थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दिशांत अब माता पिता को अकेले छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। 31 मई 2015 को दिशांत पटेल घर से ये कहकर निकले थे कि वो मंदिर जा रहे हैं, लौट आएंगे, लेकिन दिशांत नहीं लौटे। जब माता पिता दिशांत से मिलने इस्कॉन मंदिर गए तो उनका आरोप है कि मंदिर प्रशासन ने उन्हें बेटे से ठीक से मिलने नहीं दिया। बेटे का बर्ताव भी बदला हुआ था। माता पिता का कहना है कि पढ़ाई के दौरान ही हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े लोग दिशांत के संपर्क में आए और दिशांत भक्ति की राह पर चल पड़े। पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना बोले है कि इधर आ गया आपका लड़का और आपका लड़का ऐसे ही रहता है, आप ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ, टोटली ब्रेन वॉश टोटली। सोमवार की सुबह दिशांत के माता पिता एक बार फिर बेटे को अपने साथ ले जाने के मकसद से इस्कॉन मंदिर गए। उनके साथ परिवार के बाकी लोग भी थे, साथ में मीडिया के कैमरे भी थे। कैमरे पर इस्कॉन प्रशासन से बात हुई। मंदिर प्रशासन ने माता पिता को बताया कि दिशांत थाने गया है, वहीं पर आपकी उससे बात होगी, और थाने में ही दिशांत ने अपना फैसला सुना दिया। इस्कॉन मंदिर प्रशासन का कहना है कि दिशांत बालिक है और वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा है। बार जैसे मैंने आपको पहले भी आंसर दे चुके हैं, हमारे मंदिर में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे हजारों लोग आते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इनमें अनेक लोग आके अनेक सेवाएं करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस सेवा को ज्यादा तत्पर करना चाहते हैं, ज्यादा निष्ठा से करना चाहते हैं, तो वो लोग मंदिर में आके जुड़ते हैं। तो इसमें ब्रेन वॉश की जो बात है वो एक्चुअली कोई छोटे बच्चे नहीं थे कि हम उनका ब्रेन वॉश कर सके। जल्दी आ जाए बस, इसके मैं कुछ नहीं कहना, जो जबरदस्ती नहीं उसको तो खाली फंडामेंटल राइट ही दिखता है, फर्ज तो दिख नहीं रही है। कोई पकड़ के तो माँ बाप या कोई भी कोई उसको पकड़ के तो फर्ज वो नहीं किया जाता। ऑलराइट गाइस, तो एक ना ये वीडियो का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनाने का यही है कि अभी ना किसी का पर्सनल मैसेज आया,
कुछ टाइम पहले, तो वो बोलते हैं कि भाई अब बाबा अजीज को लेके वीडियोस क्यों बना रहे हो यार, मत बनाओ, ये सब अच्छा नहीं लगता हमारे धर्मों के लिए, वलाना वलाना दिखाना। ठीक है, तो यार देखो धर्म अपनी जगह ठीक है, लेकिन ना कुछ चीज़ रियलिटी होती है। अब देखना इस वीडियो में तुमने साइड इफेक्ट देखा, साइड इफेक्ट देखा, ब्रेन वॉश हो जाता है लोगों का, ब्रेन वॉश, अपनी बुद्धि यूज़ नहीं कर पाते, इतना ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि हाँ भाई सच मान लेते हैं और फिर उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देते हैं। अब देखा वो बच्चा अपना पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार है कि भाई इसको सन्यासी बनना है और वहीं रहेगा, वहीं सब कुछ करना है, सेवा करनी है उसको। तो तुम ना अपनी बुद्धि यूज़ करो। अब एक बात बताओ मुझे तुम, सेवा, सेवा क्या होती है? सेवा तुम वैसे भी तो कर सकते हो, अपने घर की छत पे तुम पंछियों के लिए पानी डाल दो, दाना डाल दो, वो भी सेवा है। घर से तुम जब भी बाहर निकलो एक रोटी ले लो, किसी को, गाय को, कुत्ते को रोटी डाल दो, किसी की हेल्प कर दो, समझ रहे हो, वो भी तो सेवा है ना। ज़रूरी थोड़ी ना वहाँ जाके तुम सेवा करो। और फिर तुम्हें पता है वहाँ क्या होता है, कितने स्कैम चलते हैं, यही तो दिक्कत है, तुम्हें स्कैम भी तो नहीं पता। अब एक वो बाबा जी हैं, मैं उनका क्या नाम लूँ, वो वैसे तो ज्ञान पेलते रहते हैं दुनिया भर का, कभी वो ये भी बता दो अपनी वीडियोज़ में, कभी ये भी बता दिया करो कि जब तुम वृंदावन आए, आओ मथुरा आओ, तो इस जन्मभूमि में स्कैम होते हैं, उनसे बच के रहा करो, कभी वो भी बता दिया करो। लेकिन नहीं, क्यों, वो बता देंगे तो फिर वही वाली बात है, सच्चाई पसंद किसको। कभी देखा तुमने कितने स्कैम होते हैं वृंदावन में, मथुरा में, कितने स्कैम होते हैं, कभी सर्च करना वीडियोज़ पे, ये वाले स्कैम, वो वाले स्कैम, दुनिया भर के स्कैम यार। कभी तुमने देखा है वो जो इंटेलेक्चुअल पीपल जहाँ बैठ के बोलते हैं कि बाबा जी लोग कि भाई ऐसे स्कैम होते हैं, जब तुम मथुरा आया करो इनसे बचो, उनको नहीं पता, 50-60 साल से रह रहे हैं, जितने साल से भी रह रहे हैं, उनको नहीं पता होता ये, लेकिन नहीं बताते ना, क्यों। और वैसे दुनिया भर का ज्ञान, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। भाई ऐसा करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब यार सबको पता है, किसको नहीं पता माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए, मुझे बता दो, और करते कितने हैं। किसको नहीं पता सबको उठना चाहिए, किसको नहीं पता भाई मेहनत से लोग आगे बढ़ेंगे, किसको नहीं पता। तुम इस एक बंदे को ले आओ, उसको ले आओ भाई, इसको नहीं पता कि मेहनत से बंदा आगे बढ़ेगा, या फिर कोई भी, मतलब जो जनरल बात है उसको ले आओ और वो मना कर दे भाई ऐसे नहीं होता, सबको सब पता है ना भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबको सब पता है, सबको सब पता है, समझ रहे हो। अब हम बात करेंगे लीगल की, तो लीगल ऑप्शन क्या है उनके माँ बाप के पास, तो यार देखो कोई लीगल ऑप्शन नहीं है, को पैसा बर्बाद बहन चोद, कोई भी लीगल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बच्चा है वो 18 साल से ऊपर है, ऊपर है मतलब अबव है, और वो बालिग है, बालिग मतलब वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है, वो सब कुछ समझता है, सब कुछ उसकी वो है। और हमारे इंडिया में ना फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी, यानी कि उसकी मर्जी है, वो बाबा जी बने, वो डॉक्टर बने, या फिर वो कुछ भी बने, वो कहीं जाके रहे, वो उसकी मर्जी है, पेरेंट्स उसका कुछ नहीं कर सकते। अब रही बात उसकी अथॉरिटीज़ की, देखो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वो समझा सकती है, तुमने वीडियो में देखा होगा उसको समझा रही थी बस, मीडिया भी समझा सकती है कि ताकि इस पे प्रेशर आए और ये मान जाए, लेकिन नहीं, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट आर्टिकल 21 में नहीं घुस सकता तुम्हारी, भाई तुम्हारी चॉइस है बाबा जी बन रहा तो तुम्हारी चॉइस है, उसमें कोर्ट क्या कर लेगा, होता है ना भाई कोर्ट उसको धमका देगा, नहीं भाई, क्यों कोर्ट क्यों धमकाएगा, है कोर्ट को तुम ऐसे ही समझ रहे हो क्या, पढ़ी लिखी चीज़ होती है कोर्ट, इंटेलेक्चुअल पीपल्स, जजेस जो बैठे होते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना ज्ञान पेल दिया भाई यहाँ आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, बाबा जी लोगों की तरह पढ़े लिखे होते हैं ना वो, कॉन्स्टिट्यूशन के वो होते हैं, गार्जियंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, गार्जियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर पढ़े लिखे इंसान है ना वो। तो माँ बाप के पास क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, बस ये कि उसको प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो तुम, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो तुम्हारी है उसको तुम आप निकाल सकते हो, भाई तेरा कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार होता है ना, अभी मान लो वो बाबा जी बन गया और तुम्हें दुख दे रहा है, फिर कल को तुम्हारे पास आ जाए प्रॉपर्टी लेने के लिए, भाई मेरे को प्रॉपर्टी दे दो, ये दे दो, तो आप उसको उससे निकाल सकते हो, भाई चल निकल, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है उसको वापस लाने का। तो यही साइड इफेक्ट है ये बाबा जी का, और जो हम जाते हैं ना ये ब्रेन वॉश ऐसा हो जाता है, फिर बंदा ना वो हो जाता है, बोलते हैं मोह माया त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो, फिर यार तुम क्यों लग्जरी कपड़े लेके बैठते हो, मतलब समझ रहे हो, क्यों तुम लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो यार, बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे, पर वो ये ना लोग समझते नहीं है। तो ये साइड इफेक्ट है, और इस वीडियो का पर्पस किसी को ना रिप्लाई देना नहीं था, बस किसी ने पूछा था भाई तुम ऐसे क्यों बना रहे हो, हिंदू रिलीजन पे ये होता है वो होता है, तो यार देखो मैं खुद एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है, लेकिन साइड इफेक्ट भी तो देखो ना तुम, चीज़ों के साइड इफेक्ट हो रहे, और ये तो एक वीडियो थी, अभी नहीं जाने ऐसे कितने पड़े हैं, कितने बात तो सही है कितनी वीडियोस पड़ी हैं कि भाई वहाँ चले गए, फिर ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अब देखा कितने माँ बाप रो रहे थे, इनका भी तो दिल दुख रहा है ना। अब इससे ज़्यादा क्या सेवा करेगा कोई, वहाँ चले गए तुम, ठीक है क्या सेवा कर लोगे,
अरे भाई उनकी सेवा कर लो, वही बहुत है, समझ रहे हो। एक तुमने वो सुना होगा लिटरेचर, उसमें था ना, धार्मिक ग्रंथ में था वो, एक बार वो थे ना गणेश जी और वो कार्तिकेयन जी, तो वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें ना जो चक्कर लगाएगा उसको वो मिलेगा, कुछ ऐसे था। तो उनमें से एक क्या करते हैं, गणेश जी क्या करते हैं, अपने माँ बाप के चक्कर लगा लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि शिव जी के और पार्वती के अपने उनके चक्कर लगा लेते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई यही मेरे ब्रह्मांड है। तो देख रहे हो, जब वो खुद बोल रहे हैं, भगवान खुद समझा रहे हैं कि भाई माँ बाप ही भगवान है, फिर तुम क्यों क्या क्या लेने जा रहे हो वहाँ पे, समझ रहे हो। अब जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया भैया फिर क्या कर सकते हैं, ओके। और कुछ लोग पूछते हैं कि भाई तुम ये शेड्स क्यों लगाते हो, तो शेड्स हम बचपन से ही लगाते हैं, जब हम स्कूल में होती, जब हम कॉलेज में होती, तो हम शेड्स पहन के जाती, हमारी टीचर बोलती तुम इसको क्यों नहीं उतारती, तो हम नहीं उतारती। अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो लाइट्स के लिए थोड़ा ना, लाइट्स में दिक्कत होती है, आंखों में पड़ती है ना डायरेक्ट, तो इसलिए फैशन का फैशन हो जाता है, स्टाइल का स्टाइल हो जाता है, और प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन हो जाती है, इसलिए हम ये शेड्स लगाती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारी आंखों में लाइट नहीं जाती, इसलिए हम इसको लगाती, और हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन होती, पर हम ये वाला ही लगाती क्योंकि ये हमारा फेवरेट होती, ओके। तो तुम्हें समझ आती, अब हम जाती, ओके बाय। महेश दल्ले, बेड़ा दल्ले बेनी।